माशाल्लाह, खुदा नजर न लगाए चेहरे के इस नूर को, होठों की इस हंसी को और इस लंबी लंबी सी स्माइल को। जरा गेस तो करो जोया को क्या हुआ होगा। जरूर मिस्टर खान ने कोई जोक क्रैक किया होगा, तभी तो जोया यू पेट पकड़ पकड़ के हंस रही है। उधर देखो मिस्टर खान तो आराम फरमा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो हो ना हो जरूर ये इस केक का असर होगा जिसे इतना चाव से खा रही है जोया। अरे रे रे, इस केक में किसी ने कोई लाफिंग चूरन तो नहीं मिला दिया। हाँ ये हो सकता है भाई, बिहाइंड द सीन है, पर्दे के पीछे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ, पर्दे के पीछे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पर्दे पर, अजी पर्दे पर तो जोया की आंखों से आज आंसू टप टप बह रहे हैं। दरअसल आज जोया का एक गहरा राज हो गया है बेपर्दा। जी हाँ, जोया के अतीत का एक जख्म आज फिर से हरा हो गया है। जरा गौर से देखिए जोया के इस हाथ को, इस पर लगे आग के जख्म को, और ये जख्म एक पुरानी कहानी बयां करता है जिससे मिस्टर खान अभी तक थे पूरी तरह अनजान। बेसिकली आई थिंक बचपन में जब जोया की अम्मी की मौत हुई थी, उस टाइम पे बिकॉज ऑफ द फायर शी आल्सो गॉट बर्न्ड, तो वो मुझे अभी पता चला है। भाई ये राज शायद राज ही रह जाता अगर मिस्टर खान ने जोया को ये खूबसूरत ड्रेस ना गिफ्ट की होती, उसे पहनने की जिद ना की होती। जरा देखिए तो, जोया जब ये ड्रेस पहनकर मिस्टर खान के सामने आई तो कैसे उनके होश उड़ गए। वैसे एक सवाल तो आपके दिमाग में भी दस्तक दे रहा होगा कि इतने साल तक जोया न्यूयॉर्क में रही है, तो फिर इस निशान को इतना संभाल के क्यों रखा भाई? इसको तो वो आसानी से सर्जरी से हटवा सकती थी। हाँ पता नहीं यार, मेरे लिए भी वैसे बड़ी डील नहीं थी, जैसे दिखाया गया कि मैं न्यूयॉर्क से आई हूँ, तो न्यूयॉर्क में मैंने क्यों नहीं करवाया सर्जरी वर्जरी मुझे नहीं पता। मैं बताऊँ? हाँ, तुमने सर्जरी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मुझे वन कॉर्नर ऑफ योर हार्ट यू वांट द मेमोरी ऑफ योर मदर एंड समहाउ दिस ऑलवेज रिमाइंड्स यू ऑफ योर मदर। हाँ, एंड सेकंडली मुझे कुछ ऐसे फील नहीं होता एम्बैरस दैट आई हैव अ स्कार, अब है तो है, यू नो। तो है, लेकिन जरा ये तो सुनिए इस निशान को देखने के बाद मिस्टर खान का रिएक्शन क्या है। मैंने जब देखा तो मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे चॉकलेट सॉस को मिला के उसके अंदर थोड़े नाचो अच डाले और मस्त बिल्कुल ऐसे फ्रूट एंड नट चॉकलेट खाएंगे हम। तो देखा जोया, मिस्टर खान ने इस बात को कितने हल्के में खत्म कर दिया। तो इसलिए अब आप भी टेंशन वेंशन छोड़िए, आंखों के आंसुओं को पोंछिए और रोमांटिक चलती हवाओं का मजा लीजिए, ताकि आपके दर्शक भी इस रोमांस का मजा ले सकें।